फ्रेंड देखिए ये अपना बीसेच कंपनी का अल्ट्रा पावर एसीबी BU-1-08N देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर। तो इसके अंदर जो ये फ्रेंड्स ये लगी रहती है रिलीज, एसीबी रिलीज बोलते हैं जिसका मॉडल नंबर है BU-BTX-1.0G। इसको किस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं ये जो इसके स्विचेस के थ्रू इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए कैसे कैसे कौन कौन सी इसमें सेटिंग होती है वो बता देते हैं। ये एक्चुअल में जो ये फ्रेंड्स ये जो रिलीज है ये करंट ऑपरेटेड रिलीज है, यानी कि जब इसके अंदर करंट चलेगा 6%, कंपनी 10% कहती है, बट ये 6% पे इसकी जो पावर है ये ग्रीन LED आ जाती है। इसकी टेस्टिंग की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, आप चैनल पे आके उसको भी देख सकते हैं किस किस तरीके से इसकी आप टेस्टिंग कर सकते हैं। सब मैंने इसमें अर्थ फोल्ड की टेस्टिंग आपको इसमें करके दिखा रखी है, जो मैंने वीडियो बना रखी है उसका मैं लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर भी आके देख सकते हैं। तो देखिए इसमें सेटिंग कौन कौन सी सेटिंग प्रोटेक्शन होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते सबसे पहले लिखा है ओवरलोड, देख सकते हैं ओवरलोड है, ये शॉर्ट सर्किट है, ये इंस्टेंटेनियस ओवरकरंट है, और ये अर्थ फॉल्ट है, न्यूट्रल फॉल्ट है, अलार्म आएगा और ये ट्रिप हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रिप की LED आ जाएगी। ये सारी LED रेड है, ओनली ग्रीन LED की पावर की है। जब पावर LED इसमें करंट कुछ चलेगा 6% से 10% के बीच में इसमें करंट चलेगा तो इसमें ये ग्रीन LED आ जाती है। तो सेटिंग की बात करें तो देखिए ये जो पहले दो डिप स्विच है ये वाले घुमाने वाले, इसको ड्राइवर की हेल्प से आप घुमा सकते हैं, ये ओवर करंट की सेटिंग कर सकते हैं। मिनिमम फ्रेंड इसमें 0.4 की सेटिंग कर सकते हैं IN का, देख सकते हैं IN हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स 800 है, 800 × 0.4 यानी 8×32 320 एम्पीयर की मिनिमम सेटिंग इसमें हो सकती है। और आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको ऑफ भी कर सकते हैं, और ये जो नॉब है इसकी जब 0.4 पे होगी तो 320 की सेटिंग इस पर हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे ही जिस भी डिजिट पे इसकी जो नॉब होगी उसका मल्टीप्लाई फ्रेंड्स यहाँ पे 8 के साथ हो जाएगा, 800 के साथ हो जाएगा, तो उतनी सेटिंग यहाँ पे इसकी हो जाती है। जैसे आप 0.4 पे करेंगे तो 8×32 320 हो जाएगा, 8×5 40 400 एम्पीयर हो जाएगा, 8×6 48 480 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जब 1 पे आ जाएगी तो यानी कि 800 एम्पीयर पे इसकी फुल सेटिंग यहाँ पे हो जाती है। इसके साथ में हमें मल्टीप्लाई करना है, जो भी लिखा हुआ है उतने पे इसकी सेटिंग यहाँ पे हो जाती है, उतने पे इसका ओवरलोड की सेटिंग यहाँ पे हो जाती है। और ये डिले है, यानी इस सेटिंग करने के बाद जितना भी डिले इसमें रखेंगे उतने डिले के बाद फ्रेंड्स ये यहाँ पे ट्रिप हो जाती है उतनी सेकंड के बाद। देखिए 0.5, 1, 2 तो मैक्सिमम यहाँ पे 30 सेकंड इसका डिले यहाँ पे दिया गया है, ठीक है जी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे देखिए ये है शॉर्ट सर्किट की, ये भी XIN है, यानी कि इसके साथ में भी IN की मल्टीप्लाई करेंगे जो भी IN यहाँ पे दिया हुआ है ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट सर्किट की सेटिंग है फ्रेंड्स वो मिनिमम यहाँ पे 0.6 की हो सकती है, देखिए 0.6 लिखा है, और ये डिले है इसका मिनिमम 400 मिली सेकेंड का, इसमें 400 मिली सेकेंड की फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं मिनिमम 400 मिली सेकेंड। इसमें था 30 सेकेंड था और ये 400 मिली सेकेंड है, ठीक है जी। जैसे इसको 0.6 पर करेंगे तो 8×48 यानी कि 480 पे इसकी शॉर्ट सर्किट की सेटिंग यहाँ पे मिनिमम हो सकती है 480 एम्पीयर। इसी प्रकार जो भी यहाँ पे डिजिट है देखिए 1 दिया है, 1.5 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, अभी जो इसकी सेटिंग है फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 8×32 यानी कि 3200 एम्पीयर पे इसकी अभी शॉर्ट सर्किट की सेटिंग यहाँ पे हो रखी है, और 400 मिली सेकेंड का इसमें टाइम दिया गया है, यानी कि जब 8×32 यानी कि 3200 एम्पीयर जैसे इसमें आएगा और 400 मिली सेकेंड के अंदर ये फ्रेंड्स ये शॉर्ट सर्किट पर यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद देखें फ्रेंड्स यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की सेटिंग है, इंस्टेंटेनियस में टाइमिंग की कोई ज़रूरत नहीं, तो इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे ही इतना करंट जाएगा तो मिनिमम देखिए ये वाली जो प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स शॉर्ट सर्किट इसको आप ऑफ नहीं कर सकते, देखिए इसमें कोई भी ऑफ का यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी ऑफ का इसमें लीवर नहीं है। देखिए जैसे कि आपने इसमें ऑफ देखा आप शॉर्ट सर्किट ऑफ कर सकते हो, ओवरलोड को ऑफ कर सकते हो, आप इंस्टेंटेनियस को ऑफ कर सकते हो, आप अर्थ फॉल्ट को ऑफ कर सकते हो, ठीक है जी, बट आप शॉर्ट सर्किट की जो प्रोटेक्शन है उसको ऑफ नहीं कर सकते, यानी जब भी शॉर्ट सर्किट आएगा वो ट्रिप होगा ही होगा। उसके बाद देखिए इंस्टेंटेनियस की बात करें तो देखिए इंस्टेंटेनियस फ्रेंड्स यहाँ पे मिनिमम 1.5 की सेटिंग यहाँ पे हो सकती है, यानी कि 1200 एम्पीयर की यहाँ पे मिनिमम सेटिंग हो सकती है, यानी कि 800 × 1.5 वन पे हो जाएगा 800, 0.5 पे 400, तो 400 + 800 1200 एम्पीयर पे मिनिमम फ्रेंड्स इसकी जो है इंस्टेंटेनियस जो ओवर करंट है उसकी सेटिंग ओवरलोड है, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट है ओवरलोड है उसकी सेटिंग यहाँ पे हो सकती है, और मैक्सिमम 15 हो सकती है, यानी कि 15×8 = 120 यानी कि 12000
12,000 इंस्टेंटेनियस की मैक्सिमम इसमें सेटिंग हो सकती है, ये IN पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। देखिए जिस पे भी ये नॉब होगी, देखिए अभी इंस्टेंटेनियस जो है यहाँ पे ऑफ है, जब जिसको जिस भी डिजिट पे रहेगा उसके साथ में IN का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उतने पे इसकी शॉर्ट सर्किट सेटिंग यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद ये अर्थ फोल्ट की सेटिंग इसमें कर सकते हैं, देखें यहाँ पे अर्थ फोल्ट है, ये देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ फोल्ट लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे अर्थ फोल्ट की सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, मिनिमम यहाँ पे देखें 0.2 की अर्थ फोल्ट की सेटिंग हो सकती है, यानी कि 8 × 16 160 एम्पीयर मिनिमम, ये 0.2 है, ठीक है, ये 0.2 है, 0.3 ऐसे, ये 0.4 है, 0.5 है, ये 1 जाता है, ये 1.5 है, ऐसे यहाँ पे देखिए 0.61 ये जाकर फेल हो जाता है। तो 8 की 0.2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 8 × 16 160 एम्पीयर यहाँ पे इसकी सेटिंग हो जाती है। ऐसे 3 के साथ करेंगे, 4 के साथ करेंगे, 5 के, जिस पे भी ये नॉब घूमेगी, जैसे अभी यहाँ पे 0.6 पे सेट है अभी, यानी कि 8×48 480 पे इसकी अर्थ फोल्ड की सेटिंग यहाँ पे भी है। और ये टाइमिंग है इसकी फ्रेंड, देखिए इसकी टाइमिंग है, टाइमिंग इसकी मैक्सिमम 1 सेकंड हो सकती है, ठीक है जी, 1 सेकंड, देखिए 0.1 से 1 सेकंड की इसकी टाइमिंग की सेटिंग यहाँ पे अर्थ फोल्ड ही कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे 0.1 पे इसकी सेटिंग यहाँ पे अभी हमने की हुई है, ठीक है जी, देखो, ठीक है जी। और ये इसके डिप स्विच है, यदि आप इन दोनों डिप स्विच को ऑन कर देंगे, देखो ऊपर कर देंगे, तो यहाँ पे जो इसके अंदर न्यूट्रल सिटी अलग से डालेंगे, उसके कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं, इसमें एक SOC, ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे लग जाएगा, और N1 और N2 पे यहाँ पे कनेक्शन हो जाएंगे, न्यूट्रल सिटी अलग से डालेंगे, तो इन दोनों डिप स्विच को हम ऑन कर देंगे यहाँ पे, तो न्यूट्रल प्रोटेक्शन जो है इसकी यहाँ पे ऑन हो जाएगी। उसके लिए आपको इसको ये तीनों डिप स्विच ऑन करने पड़ेंगे, ठीक है जी, न्यूट्रल प्रोटेक्शन ऑन करने के लिए तीनों डिप स्विच ऑन करने पड़ेंगे। अभी देखिए ऑफिस में न्यूट्रल प्रोटेक्शन अभी यहाँ पे डिसेबल है यानी कि, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्मल मेमोरी है, थर्मल रिफ्लेक्टिविटी लिख रहा है, जिसको थर्मल रिफ्लेक्टिविटी अभी यहाँ पे देखिए ऑन है, यानी कि जब भी ओवरलोड होगा, ओवरलोड पे यानी कि हमारा 12 सेकंड पे ये ट्रिप हुआ है, ठीक है जी, तो ये 12 सेकंड इसमें स्टोर हो जाता है जब ओवरलोड पे ये ट्रिप होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो दोबारा से तुरंत ओवरलोड आता है तो 12 सेकंड ना लेकर के जल्दी ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 12 सेकंड पहले से फीड हो गया था, यानी थर्मल रिफ्लेक्टिविटी इसमें स्टोर कर ली थी, तो इसको ऑन करना जरूरी है, नहीं तो बार बार ये 12, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो बार बार ये 12 सेकंड पे ट्रिप होता रहेगा, जैसे 800 एम्पीयर आएगा, 800 एम्पीयर है, 800 एम्पीयर आएगा तो 12 सेकंड का ही टाइम लगेगा। उस कंडीशन में क्या है, हमारे कॉन्टैक्ट जलने के चांस हो जाते हैं, इसलिए थर्मल मेमोरी को यहाँ पे ऑन रखा जाता है, यानी कि पहली कंडीशन में तो 12 सेकंड पे ऑन होगा, उसके बाद दूसरी बार ये 12 सेकंड से कम में ट्रिप होगा, जैसे ही अगर 400 एम्पीयर तुरंत आ जाता है, 800 एम्पीयर तुरंत आ जाता है, सॉरी 800 एम्पीयर तुरंत आ जाता है, तो तुरंत ये तुरंत ट्रिप हो जाएगा, कुछ 12 सेकंड ना लेकर के 8 सेकंड लेगा, यदि फिर दोबारा 8 सेकंड ना लेकर के 10 सेकंड लेगा, वो सॉरी 6 सेकंड लेगा, ऐसे ही अगर बार बार वही ओवरलोड हो रहा है तो ये उससे उस कंडीशन में मिनिमम पे चला जाएगा यदि ये ऑन है। तो इस तरीके से आप ये देखिए, ये इसका जो है टेस्ट करने का बटन है, यानी कि जब इसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो इस बटन को दबा देंगे हम, तो यहाँ पे सारी LED आ जाती है, जो भी फॉल्ट आया हुआ होता है लास्ट टाइम पे वो स्टोर हो जाता है, तो इस बटन से उस फॉल्ट को चेक कर सकते हैं कि लास्ट टाइम पे कौन सा फॉल्ट आया था, ठीक है जी। तो ये दोनों बटन इसी में यहाँ पे काम आते हैं। और फ्रेंड जब इसमें फॉल्ट आएगा, जब फॉल्ट आता है इसमें, तो ये लीवर बाहर आ जाता है, ये लीवर है, देखिए ये देखिए इसमें कंडीशन, लीवर की कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, अभी ऐसा रहेगा जब भी बाहर आ जाएगा, तो यानी कि ये जब फॉल्ट पे ट्रिप होता है तो लीवर बाहर आ जाएगा, जब तक इसको रिसेट नहीं करते इसको आप ऑन भी नहीं कर सकते हैं, ये ट्रिप ही होता रहेगा, तो इसको रिसेट भी करना जरूरी है, जब तक रिसेट नहीं करेंगे ये ऑन नहीं कर सकते हैं। और ये लीवर बाहर आता है इसका मतलब पता चलता है कि इसमें ये फॉल्ट से रिसेट हुआ है, देखिए ये ब्रेकर ट्रिप इंडिकेशन है, ये भी देखिए ये ब्रेकर ट्रिप इंडिकेशन है, ठीक है जी, जब भी ब्रेकर ट्रिप होगा तो ये इंडिकेशन बाहर आ जाता है, पता चलता है कि ब्रेकर में कभी फॉल्ट हुआ है, तो पहले फॉल्ट को क्लियर कीजिएगा इसको, तब रीसेट करना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको जब भी इसमें फॉल्ट आएगा तो ये ऑपरेट हो जाता है, तो पता चल जाता है कि इसमें कोई फॉल्ट हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।